चंडीगढ़ रोड की नेशनल हाईवे नंबर 73 पर केल गांव के पास हाईवे पर पड़ी गंदगी में बाइक से लिप होने से एक युवक की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के हवाले कर कार्रवाई शुरू कर दी। केल गांव के निवासी जोगिंदर पाल ने बताया कि उनके गांव का जोनी मोटरसाइकिल पर जगाधरी से अपने गांव जा रहा था। रास्ते में गांव के पास पड़ने वाले कचरा प्लांट के पास हाईवे पर जानवरों की गंदगी के कारण उनकी बाइक स्लिप हो गई, जिससे वो सड़क पर गिरकर घायल हो गया। गंभीर हालत में उसे PGI रेफर कर दिया गया, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। सर, ये बच्चे यहाँ से गो में जा रहे थे कैल जगाधरी से, वहाँ पे कचरा फैक्ट्री है, कूड़ा है वहाँ पे, वहाँ पे ऊपर पड़ा था रोड के ऊपर, वहाँ से मोटरसाइकिल स्लिप हुए करना जी, ये बच्चे गिरे रात में चोटा लगी, फिर PGI भेजा था जी, फिर उसके बाद रात को उसके बाद ये मृत्यु हो डर पूरा ही। एक प्रतिशत एक्साइज ड्यूटी लगाए जाने के खिलाफ में ज्वेलर्स एसोसिएशन द्वारा शुरू की गई 3 दिवसीय हड़ताल आज चौथे दिन से अनिश्चितकालीन में तब्दील हो गई। इस दौरान एक्साइज ड्यूटी खत्म करने की मांग को लेकर यमुनानगर और जगाधरी के ज्वेलर्स ने इकट्ठे होकर हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष कंवर पाल गुर्जर से मुलाकात की और उनसे इस संबंध में केंद्र सरकार से बात कर इसका समाधान तलाशने की अपील की। छोटे कारोबारियों को बहुत अधिक हानि होगी और वो मार्केट से उनको एक तरह से जाना पड़ेगा, उनको अपना प्रोफेशन जो उनको धंधा समाप्त करके अपना बोरिया बिस्तरा लपेट करके यहाँ से कूच करना पड़ेगा। इससे सरकार को करोड़ों का नुकसान होगा, ज्वेलर्स को तो नुकसान हो ही रहा है प्रतिदिन करोड़ों का। तो हमारे देश की सरकार को ये चाहिए कि वो 1% जो एक्साइज ड्यूटी उन्होंने ज्वेलर्स पर लगाई है उसको वापस लें, इसी में सरकार की और ज्वेलर्स की भलाई है, नहीं तो हम अपना अनिश्चितकालीन जो हमारा एजिटेशन है, हमारी जो ये जो हड़ताल है, हमारे ये जो प्रदर्शन है, इनको हम अनिश्चितकाल के लिए जारी रखेंगे। कैसे अभी बजट में इनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी जो है वो 1% लगाई है और इनका मानना ये है कि एक्साइज ड्यूटी लगने से जो है इनका काम बहुत प्रभावित होगा और एक इंस्पेक्टरी राज लागू होगा। तो ये चाहते हैं कि अगर सरकार टैक्स लेना चाहती है तो वो दूसरे तरीके से, चाहे जो बाहर से सोना आता है उस पर एक्साइज ड्यूटी जो है उसको बढ़ा दे थोड़ा, और दूसरा जो वेट है इनके ऊपर 1.05%, तो ये चाहते हैं कि चाहे भले ही उसको भी बढ़ा दो थोड़ा, लेकिन एक्साइज ड्यूटी ना लगाओ। ये चाहते हैं कि इससे इंस्पेक्टरी राज बढ़ेगा। तो मैंने इनकी पूरी बात को सुन लिया है और इनका मानना है कि जो कारीगर लोग हैं इनके पास वो कम पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा हिसाब रख भी नहीं सकते। तो मैंने पूरी बात इनकी सुन ली है और इनकी बात मैं मान्य मुख्यमंत्री जी के सामने रखूँगा, वो सेंटर के सामने इस बात को उठाएंगे कि हरियाणा के जो स्वर्णकार हैं वो इस प्रकार की बात रख रहे हैं। तो पूरे देश में ही इनका जो संगठन है वो इस टाइम स्ट्राइक पर चल रहा है। हर जगह जहाँ भी इनके लोग होंगे वो निश्चित तौर से जो भी वहाँ लीडर होंगे उनसे मिले होंगे और हर प्रदेश के जो भी मुख्यमंत्री हैं माननीय प्रधानमंत्री से बात करेंगे। शाहजहांपुर के थाना सदर बाजार क्षेत्र में आज सदर पुलिस व कीटनाशक दवा कंपनी के मुख्य जांच अधिकारी की संयुक्त टीम की छापेमारी में एक जनरल स्टोर की दुकान पर ही एक कंपनी के 3 प्रोडक्ट की पैकिंग करते हुए दुकान स्वामी को गिरफ्तार किया गया और दुकान से लगभग 5 लाख रुपए की नकली दवा बरामद की गई। ये दवा वायर क्रॉप साइंस लिमिटेड पूरे महाराष्ट्र की कंपनी की निकली, जो काफी कीमती है। कंपनी के मुख्य जाँच अधिकारी दयाशंकर ने बताया की शिकायत पर हम लोगों ने जाँच में पाया की ये नकली दवा शाहजहांपुर में बनाई जा रही है और आज जनपद के पुलिस अधीक्षक के आदेश पर थाना सदर बाजार पुलिस के साथ मोहल्ला दिलाजाग में प्रदीप कुमार की जनरल स्टोर पर छापा मारा तो दुकान व उसके मकान पर कंपनी के 3 प्रोडक्ट जिनकी बाजार में 200 रुपए, 900 रुपए और 1500 रुपए की शीशी है पैकिंग करते हुए मिली हुई दवा की कीमत लगभग 5 लाख रुपए। उन्होंने बताया कि सारी दवा का इस्तेमाल गेहूं, धान, गन्ना सहित अन्य फसलों में कीटनाशक के रूप में किया जाता है। ये कंपनी को सूचना दी गई थी, सूचना के आधार पर हमने एसपी साहब से इसकी शिकायत की थी, उन्होंने एक थाने पर भेज करके बोला कि सैंपल गठित की जाए और मैंने थाना अध्यक्ष से मिला। इसके बाद इन्होंने फौरन 2 अफसर दिए थे और उससे सैन्य बल दिए थे, जिससे साथ मैं वहाँ दुकान पर गया चिन्हित स्थान पर
और वहाँ पर जांच किया, जहाँ से ये लगभग 5 लाख रुपए की नकली दवा पकड़ी गई है। कौन सी दवाएं हैं इसमें? ये बायर कंपनी की फेम है 10 ml और 60 ml की, और डू पॉइंट का ये कोराजिन दवा है। किस प्रयोग में आती है ये दवा? ये नकली कीटनाशक दवा है, खेतीबाड़ी में काम आती है। पंजाब में बढ़ रहे नशे को लेकर जहां पंजाब सरकार की ओर से लोगों को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, वहीं सामाजिक संस्थान भी अपना पूरा सहयोग दे रही है, जिसको लेकर रोटरी इंटरनेशनल क्लब भी नशे से दूर रहने का संदेश देने के लिए साइकिल रैली शुरू कराने जा रही है, जिसको लेकर 3090 के गवर्नर धर्मवीर गर्ग की अगुवाई में नाभा, संगरूर, मलेरकोटरा, धुरी, फरीदकोट और फिरोजपुर से रोटरी क्लब के आगू उपस्थित हुए। मार्च तो लैके 20 मार्च तक साइकिल सारे रोटरी मैंबर वालों एक रैली कढ़ी जा रही है, जो कि 15 मार्च राजपुरा तो शुरू होगी, तो इस तो बाद ये वक् वक् शहरों में चलते हुए जिस तरह नाल पटियाला, नाभा, भवानीगढ़, सुनाम, संगरूर, धूरी, बरनला, निहाल सिंह वाला, उस तो बाद बाघा पुराणा, मोगा, फिरोजपुर तो बाद फरीदकोट, तो जैतों, गोनियाना मंडी, तो बठिंडे, अखीर दे विच 20 मार्च यह रैली पहुँचेगी। प्रदेश के कंप्यूटर शिक्षक जाट आंदोलन के दौरान हिंसा में शिकार हुए लोगों की आर्थिक मदद के लिए आगे आए हैं। इस बारे में प्रदेश के कंप्यूटर शिक्षक संघ के प्रधान बलराम ने बताया कि गत दिनों प्रदेश में हुई हिंसा में सरकारी प्रॉपर्टी का बहुत नुकसान हुआ है। प्रदेश में हुई इस क्षति की भरपाई के योगदान के लिए कंप्यूटर टीचर वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 1 लाख रुपए का चेक पंचकुला के उपायुक्त मनदीप सिंह बराड़ को दिया। उन्होंने बताया कि कंप्यूटर शिक्षकों की तरफ से दंगा पीड़ित लोगों की आर्थिक मदद की शुरुआत पंचकुला से ही की गई है, और जल्द ही प्रदेश के सभी जिलों में ऐसी शांति मार्च की अपील के साथ अधिक से अधिक आर्थिक मदद की जाएगी। दिया और किस लिए दिया? देखिए, जैसे हम काफ़ी समय से जो देख रहे हैं वो जाट आंदोलन के कारण हमारे हरियाणा राज्य में काफ़ी सारी जो हिंसा के कारण बहुत सारा प्रॉपर्टी का, पब्लिक प्रॉपर्टी का, सरकारी प्रॉपर्टी का जो है नुकसान हो चुका है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने एक ये मुहिम चलाने की कोशिश की है। कंप्यूटर टीचर वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा की तरफ से मुख्यमंत्री राहत कोष में जो है 1 लाख रुपए की धनराशि आज हम पंचकुला के मौजूदा DC को सौंप करके आए हैं, और साथ साथ आपसी भाईचारे की अपील करके आए हैं। साथ साथ सभी जिलों में ये जो है मुहिम चलाई जाएगी, जिसके माध्यम से हम हर नागरिक तक, हर शिक्षक तक, हर वर्ग के, हर जाति के लोग तक ये बात पहुंचाएंगे कि आपसी भाईचारा जो है वो आपस में बनाए रखें, किसी भी प्रकार से हिंसा का जो है वो कदम ना उठाएं। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा में बसपा पार्टी के विधायक प्रशांत चौधरी के पिता रजपाल जी की 11वीं पुण्यतिथि बनाई गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बसपा नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी प्रशांत चौधरी की पत्नी हेमलता पहुंची। लेकिन बसपा नेता को तो सिर्फ 2017 का विधानसभा चुनाव नजर आ रहा था, जिसके चलते बसपा विधायक ने रागनी का आयोजन किया। रागनी की आड़ में पब्लिक को आगामी चुनाव में खुश करने के लिए बार बानों से अश्लील डांस करा दिया गया। केवारी प्रशांत चौधरी जी जहाँ भी रहते हैं, विधान परिषद में ही इन्होंने अपनी एक अलग छाप बनाई, और विधान परिषद में खड़े होकर के इन्होंने जो पीठ को चलाया हमारा नाम भी आ गया, नहीं जो सच्चाई है, और तार्किक ढंग से जिस ढंग से आप विधान परिषद में क्षेत्र की बातें रखते हैं, मैं तो ये कहूँगा कि ये गढ़ विधानसभा, गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा के BSP के लोगों के लिए ये एक ऐसे आदमी आ गए हैं कि रात को 2 बजे पुकारेंगे तो 2 बजे आपके साथ खड़े होंगे। ये दुख में, सुख में, प्यार में, मोहब्बत में जी जान लुटाने वाले।
बड़ौदा रोड स्थित काठ मंडी की एकता गली में देर शाम बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिर गई, जिसमें एक कमरे में खाना बनाने की तैयारी कर रहे चार मजदूर झुलस गए। इन चारों मजदूरों में से एक मजदूर गंभीर हो गया, जिसके अलावा कमरे की छत व इन्वर्टर की बैटरी टूट गई। मजदूर दयाल सिंह ने बताया कि वह इस गली में पिछले 20 सालों से रहते हैं और शहर में पत्थर लगाने का काम करते हैं। देर शाम बारिश आनी शुरू हो गई, वह कमरे में बैठे खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान कमरे की छत पर आसमानी बिजली गिर गई, जिससे चारों मजदूर झुलस गए। इसमें एक ही हालत गंभीर बताई गई है। गनीमत रही कि इसमें किसी को जनहानि नहीं हुई। जी, हम खाना बनाने लग रहे थे, बारिश वर्षा आ रही थी और खाना बनाने की अचानक 8 के करीब का टाइम था और वो बिजली कटते ही और कड़कते ही हमारे चारों बंदे हम झुलस गए हैं और बैटरी भी टूट गई है और भी नुकसान हुआ है, कपड़े भी जल गए हैं और एक महेंद्र नाम का है उसके बहुत ज़्यादा जल गया है और रवि है उसको भी जल गया है और पवन और खुद मैं नवल किशोर मैं भी जल गया हूँ। गोहाना और आसपास के गांव में देर रात हुई तेज हवाओं के साथ बेमौसम की बारिश से किसानों की गेहूं की फसल को भारी नुकसान हुआ है। गेहूं की खड़ी फसल के खेतों में पानी भरने से गिरकर खराब हो गई, जिससे किसान अब सरकार से उनकी खराब हुई फसलों की गिरदावरी करवाकर मुआवजे की मांग कर रहे हैं। गोहाना महम रोड पर स्थित गाँव आहुलाना मदीना कथूरा धनाना आदि गाँव के किसानों का कहना है कि देर रात हुई तेज हवाओं के साथ बारिश पड़ने से उनकी गेहूं की फसल लगभग 80% खराब हो गई और यह बारिश इसी तरह पड़ती रही तो उनकी फसल बर्बाद हो जाएगी। अब किसान सरकार से उनकी खराब हुई फसलों की गिरदावरी करवाकर मुआवजे की मांग कर रहे हैं। जो पड़ गया वो सारा नुकसान है, उसमें कुछ नहीं जाना रहना, 80% नुकसान हो जाएगी। अच्छा, जमींदार का जी बीमा होना चाहिए, हर एक चीज का, दुकानदार का, बिजनेसमैन का, सबका बीमा है। हमारे लिए कोई सहूलियत नहीं भाई, चाहे 1,00,000 रुपया का फसल है वह नुकसान हो जाए, बच्चे के खाव से पीने कुछ नहीं रहता। रात को बरसात और आंधी आई है, इससे हमारे गांव का कम से कम 70% गेहूँ गिर गया है। गिरे हुए गेहूँ में नीचे वाले जो बालियाँ दब जाती हैं उनमें तो बिल्कुल ही खत्म है, गेहूँ का नाम ही नहीं मिलता। जो ऊपर वाली बालियाँ भी वो भी पौधा टूट जाने के कारण उसमें भी 50% गेहूँ बचता है। जैसे किले में अगर 50 मन गेहूँ निकलता है तो गिरने के बाद 20 या 22 मन गेहूँ रह जाता है। ये इतना भारी नुकसान है। हमारी सरकार से प्रार्थना है कि हमारी स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू की जाए और फसलों का बीमा किया जाए। जो रियो मारा भाई, रात न बारिश होगी, बारिश होकर रियो नुकसान हो गया, मान ले ओले वाला काम हो गया, रात न इतनी ठाडी बारिश हुई है, मान ले पूरे गाँव में नुकसान इतना हो रहा है, कोई हद नहीं। ये मेरे 2 किले हैं, ये 2 किले में इतना नुकसान हो रहा है, बेमौका है, 1,00,000 रुपया का नुकसान हो गया 2 किले में कम से कम। मिर्जापुर के अहरौरा थाना के अंतर्गत ग्राम जुड़ई में 2 सगे भाइयों पर 4 लोगों ने चाकू से हमला कर घायल कर दिया, जिसमें एक की मौत हो गई। कहा जा रहा है कि गांव के बाहर पहले से ही घात लगाकर बैठे थे। पूरा मामला चुनावी रंजिश से जोड़कर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि मौत की खबर सुनकर घर के लोगों में कोहराम मच गया। इतना ही नहीं, सैकड़ों लोगों ने वाराणसी शक्ति नगर मार्ग पर शव रखकर सड़क पर जाम लगा दिया। अपराधी को पकड़कर जेल भेजा जाने और मुआवजे की मांग करने लगे। पुलिस द्वारा अपराधी को सह देने वाला लापरवाही बरतने को लेकर नारेबाजी करते ग्रामीणों में गुस्सा फूट पड़ा। घंटों जाम के बाद पुलिस के काफी समझाने के बाद जाम खुला। अरोरा से जा रहे थे हमारे दोनों साले, मोटरसाइकिल से दोनों साले जा रहे थे और जुड़े गांव में चौक में उनको गाड़ी रोक करके चार लोग ललकार, 3 लोग ललकारे, 1 लोग छुरा दो बार मारे, एक जब न्यूरा तो पीठ में मारा। पुलिस को तहरीर दे दिया गया, 324-352 में धारा लगा दिया, उसका जमानत कर दिया। पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं किए। केंद्र की भाजपा सरकार ने पीएम नरेंद्र मोदी की जनधन योजना की शुरुआत कर देश की गरीब जनता को सीधे लाभ देने की पहल की है। उक्त बातें जौनपुर में भाजपा के वरिष्ठ नेता मछली शहर के सांसद रामचरित्र निषाद ने कही। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से पहली बार मोदी सरकार ने जो विकास का कार्य किया है ऐसा आज तक नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जनधन योजना लागू करने से गरीब वर्ग के लोगों को अधिक लाभ होगा। सांसद निषाद ने लोगों से अपील की है कि सभी लोग इस लाभकारी योजना का फायदा उठाएं और पड़ोसियों को भी इस योजना के बारे में जागरूक करें। सोचा था
एक रुपया महीना 12 रुपये साल एक्सीडेंटल बीमा, ये कभी सोचा नहीं था। मुद्रा बैंक, आज गांव में पढ़े लिखे नौजवान लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके लिए 10,000 से लेके 10,00,000 रुपए बिना सिक्योरिटी बिना गारंटर लड़के को लोन दे करके अपना रोजगार शुरू। महिलाओं के हो रहे उत्पीड़न व घरेलू हिंसा के मामलों पर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लिए गए संज्ञान के तहत भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के सहयोग से आज पंचकुला के भानु स्थित प्रशिक्षण केंद्र में महिला पुलिस अधिकारियों के 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका आज आखिरी दिन था। समारोह में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती ललिता कुमारी मंगलम मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही। समारोह में आयोग की सदस्य रेखा शर्मा, सुधा चौधरी के अलावा ITBP के महानिरीक्षक अरविंद कुमार व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। यहाँ 3 दिन ट्रेनिंग चल रही है SI से लेके इंस्पेक्टर लेवल तक महिला पुलिस ऑफिसर्स की। फोरेंसिक्स पर हमारे जो कानून है महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो महिलाओं के सुरक्षा के लिए जो कानून है उनके बारे में, एविडेंस एग्जामिनेशन, एविडेंस का वो सीन कैसे ये करें, फिर उसका प्रेजेंटेशन कोर्ट में, फिर जो जो नए कानून बने हैं, फॉर एग्जांपल जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट का एट द वर्क प्लेस का एक्ट है, जो अभी अमेंडमेंट आया है क्रिमिनल लॉ में 2013 में, उसके बारे में, और फिर बहुत कुछ जो इनको अपनी महिलाओं के ऊपर जब क्राइम्स कमिट होते हैं तो उन महिलाओं को रिलीफ दिलाने के लिए पुलिस की साइड से जो जो उनको करने की ज़रूरत है उसका हम ट्रेनिंग दे रहे हैं 3 दिन। MLC चुनाव के मतगणना में बहराइच में भाजपा प्रत्याशी को हराने के लिए जिला प्रशासन तमाम हथकंडे अपनाते हुए बर्बरता पर भी उतर आई और भाजपा समर्थकों पर जमकर लाठी बरसाई गई। भाजपा प्रत्याशी मतगणना में हो रही धांधली का विरोध जता रहे थे और निष्पक्ष मतगणना की मांग कर रहे थे। भाजपा चुनाव प्रभारी पूर्व MLC अरुण वीर सिंह ने जिला प्रशासन पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन ने खुलेआम गुंडई की है और जीते हुए भाजपा प्रत्याशी को हराया है। उन्होंने कहा कि जब मीडिया को अंदर जाने से रोक दिया गया तो समर्थकों ने इसका विरोध किया, इसी बात पर हमारी आवाज को बंद करने के इरादे से कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठी चलाई गई। यही नहीं, उन्हें जबरन जीप में लादकर जेल भेज दिया गया। पुलिस की इस बर्बरता ने गोलमटोल जवाब देते हुए मामले को टालने का प्रयास किया। हालांकि इस चुनाव में सपा प्रत्याशी को 704 मतों से जीत हासिल हुई है। सिरसा में आज होने वाले जिला परिषद के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के चुनाव कोरम पूरा नहीं होने के चलते स्थगित कर दिया गया। फिलहाल अगली तारीख पर ही चुनाव संभव हो सकेंगे। सिरसा जिले में कुल 24 जिला पार्षद हैं, जिसमें से 13 इनेलो के होने के कारण बहुमत इनेलो के पास है। गौरतलब है कि आज पहली बैठक में 2/3 जिला पार्षदों का हाजिर होना जरूरी था, लेकिन इनेलो के ही 13 पार्षद पहुँचे, जिस कारण कोरम पूरा नहीं होने से आज चुनाव स्थगित कर दिया गया। इस मौके पर जिले के अतिरिक्त उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि आज जिला परिषद के प्रधान व उपप्रधान के चुनाव के लिए आज पहली मीटिंग थी, जिसमें 2/3 जिला पार्षदों का हाजिर होना जरूरी था, क्योंकि जिला पार्षदों की संख्या 24 है, लेकिन इसमें कोरम पूरा नहीं हो पाया। इसमें केवल 13 पार्षद ही उपस्थित हो पाए, जिसके कारण चुनाव अगली तारीख तक स्थगित कर दिया गया है। ये जिला परिषद के प्रधान उपप्रधान का चुनाव होना था, क्योंकि प्रथम मीटिंग थी जिसमें टोटल 24 मेंबर हैं, तो 2/3 कोरम पूरा होने के लिए 16 की जरूरत थी, लेकिन आज की मीटिंग में सिर्फ 13 मेंबर्स ही उपस्थित रहे, इसलिए प्रधान उपप्रधान का चुनाव नहीं हो पाया और मीटिंग आगे समय तक स्थगित की गई। जी देखिए, हमारे को इस बात का अंदाज़ा था कहीं ना कहीं जो दूसरी पार्टी के सदस्य हैं या और मेंबर हैं वो आज नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें पता था अगर आ गएंगे तो जो जिला परिषद का चेयरमैन बनना है वो इंडियन नेशनल लोकदल का बनना है। हमारा जो कानूनी फ़र्ज था, हमारे को ADC साहब ने बुलाया, हम लोग आए, हमने अपनी हाजिरी भी पूरी करी और हमने अपने 13 के 13 मेंबरों ने पूरी हाजिरी लगाई है, और जो भी अगली डेट दी जाएगी हम लोग फिर उस पर हाजिर होंगे और अपना चेयरमैन यहाँ से बना के लेके जाएंगे।
सिरसा जिला के गांव देसू मलगाना के रहने वाले एक युवक और युवती ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतकों की पहचान गुरुचरण सिंह और राजवीर कौर के रूप में हुई है। युवक और युवती एक ही गांव के रहने वाले थे। पुलिस की शुरुआती जांच में मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। पुलिस ने मृतकों के शवों को सिरसा के नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। वहीं इस मामले में पुलिस ने धारा 174 के तहत इत्तेफाकिया कार्रवाई की है। खेती का काम करता सीगा यार, तो वो सानू तो इस गल बारे पता नहीं सी भी इन्हों का कोई प्रेम चलता या ना। ये तो सानू तो गड़बड़ होने तो बाद पता लगे। ऐं आम पिंड खेती बनने वाले बंदे कट्ठे रेंदे रेंदे है, कोई यही जी गल दी सानू कोई शक शुभा नहीं सीगा। बाकी कोई सोशल नोट तो कोई मिला नहीं, कोई ना परिवार नू किसी परिवार नू दोनों परिवारों नू कोई शक नहीं सी, ना ना कोई। हाँ दोनों शादीशुदा बिना शादीशुदा है, दोनों अनमैरिड है दोनों। हाँ हाँ जी। घटना काला वाली स्टेशन के पास की, किलोमीटर नंबर है 260/67। दो डेड बॉडी मिली है, एक लेडीज के एक जेंट्स की, जो अननोन ट्रेन से कटे हैं, जिनकी कार भी 170 सी आर पी सी की जा रही है। दोनों कहाँ के हैं? दोनों देसी मुल्काना के जेंट्स के हैं। तो कोई स्टार्टिंग में कोई सुसाइड कोई और नहीं, सुसाइड नोट कुछ नहीं मिला है। पता चला भी दोनों का आपस में क्या रिलेशन? बस यही है, प्रेम प्यार ही है बस, और क्या। मुझे एक ही गाँव के हैं,